अगर थायराइड को हम आम भाषा में समझे तो हमारे गले में अगली तरफ पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो एक तितली के आकार की तरह होती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर में कई जरूरी गतिविधियों को नियंत्रित रखती है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। जो नुस्खा मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये दोनों ही थायराइड में काम आता है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है साबुत धनिया। साबुत धनिया लेकर बारीक बिल्कुल पाउडर बना ले और रात को सोते समय एक कांच के गिलास के अंदर एक चम्मच उसको डालकर अच्छी तरह से रख दें। सुबह उठते ही खाली पेट इसको इतना उबालना है कि आधा गिलास रह जाए, छान कर पीना। और इसके साथ में लेनी है आपको तीन चीज, काली मिर्च, पीपली और सौंठ। ये बराबर मात्रा में लेकर इसको बारीक पीस के पाउडर बना ले और सुबह नाश्ते के बाद एक चौथाई चम्मच लेनी है और रात को खाना खाने के बाद एक चौथाई चम्मच नॉर्मल पानी के साथ आप ले लें। यकीन मानिए बहुत ही जल्द थायराइड की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आई है वो भी खत्म होगी और थायराइड तो खत्म हो ही। फिस्टुला यानी कि भगंदर एक ऐसा जटिल रोग है जिसका एलोपैथिक में बिना सर्जरी के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी मैं एक ऐसा फकीरी नुस्खा आपको बता रहा हूँ जो ये कहता है कि ये जड़ से खत्म नहीं हो सकती बिना सर्जरी के। मैं दावा दे सकता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ उसकी कि आप फिस्टुला जड़ से खत्म कर सकते हैं। फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुले में क्या होता है, हमारे मल द्वार के आसपास मस्से हो जाते हैं, वो ज्यादा कब्ज के कारण, जोर लगाने के कारण फट जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है और कई बार ब्लड आने लगता है। इसके लिए आपको लेने हैं 20 ग्राम मेहंदी के पत्ते, 20 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम जैतून का तेल। एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें जैतून का तेल धीमी आंच पर गर्म करें, उसमें मेहंदी के पत्ते और कलौंजी डाल लें। जब अच्छी तरह से वो गर्म हो जाए तो गुनगुना करके छान कर उसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में मिलाकर लेना है एक एक गिलास के अंदर और यही मस्सों पर लगाना है। मैं दावा देता हूँ गारंटी से आपका फिस्टुला ठीक हो जाएगा। शुगर यानी कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर में लग जाए तो वो हमारे शरीर में घर कर जाता है, वो पीछा नहीं छोड़ता। जब हमारे शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन का जाना कम हो जाता है तो हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, उससे डायबिटीज कहलाता है। तो इसको नियंत्रण रखने के लिए मैं एक आसान सनवा बता रहा हूँ जो आप घर पे तैयार कर सकते हैं और अपना ग्लूकोज डायबिटीज यानी कि शुगर नियंत्रण रख सकते हैं। पहला है इंद्रायण के फल, दूसरा सरस बीज और तीसरा है गोंद कतीरा। इन तीनों चीजों को बराबर लेकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले, पीस ले। मेरे पास अभी साबुत नहीं है, मेरे पास तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ पिसा हुआ इस तरह का हो जाता है ये। और सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है आपको एक चौथाई चम्मच यानी कि इतना, आधी चम्मच से भी आधा। यकीन मानिए कुछ ही समय में आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि इसे खाने के बाद थोड़े से लूज मोशन हो सकते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा लूज मोशन हो तो एक बार